नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से फिर एक बार देश में बढ़ने लगी है। बढ़ते क्रम में मैं बताऊं आपको, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें शनिवार को एम्स कोविड केंद्र में भर्ती कराया गया और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जाती है। दिल्ली एम्स में रविवार को एक बयान ने बताया कि ओम बिरला की हालत स्थिर है और उनके अहम अंग सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। ओम बिरला 58 वर्ष के हैं और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊं कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होली के अवसर पर दूसरे राज्यों से बिहार 22 मार्च को होली स्पेशल ट्रेन आ रही है। इन ट्रेनों में आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, उन सारे स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं जांच की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों का रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जांच नहीं हो पाएगी, उनका विवरण पटना में ही ले लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाएगा उनका पूरा ब्यौरा गांव के आशा को दी जाएगी। मैं बताऊं आपको कि होली के अवसर पर स्पेशल ट्रेन पटना आ रही है 22 मार्च को। सोमवार को महाराष्ट्र से 3 ट्रेन पटना पाटलिपुत्रा दानापुर जंक्शन पहुंचेगी, वहीं नांगल डैम से कोलकाता के बीच चलने वाली होली स्पेशल ट्रेन भी सोमवार को पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन सोमवार को सुबह 5:30 बजे पटना जंक्शन पर आना तय है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि होली स्पेशल ट्रेन पर सरकार की विशेष निगाह है। इस ट्रेन से आने वाले लोग कोरोना संक्रमित अगर होंगे तो उनके वजह से बिहार के अन्य इलाके में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल बनती है। इस कारण ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश यह देना चाहता हूं कि कोशिश करें लोगों से हाथ न मिलावें, हाथ बढ़िया से धोएं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगावें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, जरूरत हो तो घरों से निकलें वरना घरों में ही रहें। परिवार घर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको एहतियात बरतना अति आवश्यक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।